तो अभी बस में बैठ चुके हैं और मैं हूँ और भैया है और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर अभी एक बात हो गई थी और टिकट दूसरे जगह की है और हम लोग दूसरे जगह की नहीं मतलब दूसरे बस की है और हम लोग बैठ गए थे दूसरे बस में। गलती हम लोग की नहीं थी क्योंकि हम लोग को टिकट दूसरे बस की जरूर दी गई है लेकिन बोला इसी बस में था कि इसी बस में बैठना है तो हम लोग इसी बस में बैठे हैं और वही भैया बात कर रहे हैं अभी क्या बात है। हाँ तो अभी मैटर सॉल्व हो गया है, बात हो गई है और हम लोग इसी बस में जाएंगे भले कहीं की भी टिकट हो कहीं की मतलब किसी भी बस की टिकट हो हम लोग जाएंगे इसी बस में और अपना काम करेंगे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ रुके हैं कटनी में और कटनी में अभी हमने लिया है एक बोतल पानी और क्योंकि अभी खाने का समय हो गया है, अभी रात भर का सफ़र है तो रात भर के सफ़र के लिए हमने अभी क्या है खाना खाना है फिर उसके बाद सो जाना है ताकि सुबह जब आँख खुले तो हम नागपुर में रहो। तो आ गए हैं बस में, एक्चुअली क्या था कि हमने एक बोतल पानी लिया लेकिन पैसा नहीं लिया था उससे तो दौड़ के गया मैं अभी उससे पैसा लेने और वापस आ गए। तो सुबह हो चुकी है, बारी अभी यहाँ एक बारी अभी हम लोग यहाँ रुके हैं और बस टाइम से निकलेंगे। क्या एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर, ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, अभी एमपी साइड है, अब यहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर यानी 1.5 किलोमीटर बाद ये टोल गेट पड़ेगा, अभी 1.5 किलोमीटर बाद फिर उसके बाद हम लोग एमपी साइड नेशनल हाईवे। और आप देखिए किस तरह से ये क्या है। तो अभी पहुंच तो गए हैं हम लोग यहाँ नागपुर, बट अभी यहाँ जो लोकेशन जहाँ जाना है मुझे मैप हमारा चल नहीं रहा और क्लाइंट फ़ोन उठा नहीं रहा अभी, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। अभी देखते हैं एक दो मिनट ट्राई करते हैं और अभी यहाँ नेट नहीं चल रहा है तो देखते हैं कनेक्ट करके किसी से। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता करने उसके बाद काम पे। हम लोग लेटे लेटे काफ़ी बोर हो रहे हैं और अभी टाइम नहीं आया है काम करने का तो हम लोग काफ़ी बोर हो रहे हैं अभी यहाँ पर लेटे लेटे। निकल चुके हैं अब यहाँ से काम के लिए और यहाँ से जाएंगे होटल जहाँ पर अपना मेन काम है और वहाँ करेंगे काम। तो गाड़ी का वेट किया जा रहा है, यार क्या बताऊँ यहाँ इतना परेशानी है कि क्या कहूँ, बहुत समस्या रे बाबा। अब गाड़ी का वेट करो कब जाएंगे कब आएंगे
कब आएंगे ये, तो कब हम जाएंगे ये भी पता नहीं अभी। भैया कैसे हो? बढ़िया है, कहाँ से आ रहे हो? अरे दादू रीवा से आ रहे हैं, बहुत परेशानी है यहाँ। क्या बताएं? कहाँ हो अभी? नागपुर आए थे, नागपुर और काम करने आए थे यहाँ, चला जीना हराम हो गया। कैसे कैसे लोग मिलते हैं यार, क्या बताएं दोस्त, इतना परेशान हो गए हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सच में। कब से वेट वेट कर करके चेहरे का रंगत उड़ गया, थक गए हैं। ये आदमी अहिमक ज़्यादा लौंडियाबाजी करते हुए देखिए, इतना बात करते हैं पता नहीं। नहीं नहीं, वो छोड़िए, आप बात किससे कर रहे हैं वाले ये बताइए, आप बात किससे कर रहे हैं? फाइनली गाड़ी आ गई और अब जा रहे हैं। उसी से जो है पेट्रोल फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, तो वो पार्ट में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है ऑटो फ्यूल स्ट्रक्चर में। अभी हमने लास्ट में दो स्ट्रक्चर देखा था, अगर किसी ने अपनी आईडी को एक बॉटल से एक्टिवेट करा लेकिन ये प्रोडक्ट गाड़ियां यूज करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को यूज करके आप 80% का परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आपको 80% के दायरे में आता है। तो दोस्तों शूट हो चुका है, हाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब पैकअप हो चुका है, सब समेटा जा चुका है, सब कुछ समेटा जा चुका है और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। सोच रहे हैं आज ही निकल जाते हैं घर के लिए, रीवा के लिए, क्योंकि अभी यहाँ रुकेंगे तो बाकी काम डिस्टर्ब होगा। सो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग की ये पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों शूटिंग भी ख़त्म हो गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि अब हमें कोई वाहन नहीं मिल रहा है, ना ऑटो, ना बैलगाड़ी, ना घोड़ा गाड़ी, कुछ नहीं मिल रहा है और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और अब हमें जाना है बस स्टैंड। इन भाई साहब का बहुत गलत निर्णय है, गलत डिसीजन लिया। हमें रुकना था आधे घंटे के अंदर, मुझे बस स्टैंड हमें रुकना था, बट अचानक से इनका प्लान बनता है कि नहीं भाई चलना है, मुझे चलना है। अजीब आदमी है यार, क्या कहते हैं आप लोग, ढोस दे इंटर रोड के किनारे में, नाला में चले जाइए भाई, ना ढोस दे आपका, ये बहुत बेकार आदमी है यार सच्ची। अब पैदल चलवा रहे हैं बताइए 2 किलोमीटर, ऑटो भी नहीं मिल रही साला, बस भी नहीं मिल रहा, कोई तो मिल जाए। और बाकी ये दुनिया जालिम है, आपको पता ही है, कोई मदद नहीं करना चाहता। तो ये बस है और यहाँ अब आ चुके हैं, यहाँ से अब निकलने की तैयारी है। तो बहुत थक गया हूँ, पूरे पैर दर्द करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो दोस्तों बहुत थक गया हूँ, यहाँ पहुँच चुका हूँ बस के पास। दोस्तों अभी हमने अभी ब्लॉग बनाना शुरू किया है, ज़्यादा टाइम हुए नहीं, तो आप अपना सजेशन दे सकते हो क्या गलती हो रही है और क्या सही कर रहे हैं। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और थोड़ा मोटिवेट हम होते रहेंगे आपके लाइक कमेंट से। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करते रहिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।